बस उसी से निपटना बाकी है, बस इसी परीक्षा की तैयारी करना बाकी था, बस उन्हें ही बुलाना बाकी था। हाय स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। जैसे हम अधिकतर बोलते हैं, बस यही सुनना बाकी था, बस यही करना बाकी है, के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, आज हम इसी को देखेंगे। बस यही बाकी है या फिर बस यही बाकी था, सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है। बस यही बाकी है, कोई वर्क होगा, कोई काम दिया होगा, उसे हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो यही बाकी है के लिए ओनली दैट का यूज करते हैं। प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉच का यूज करते हैं। प्लस लेफ्ट, जो वर्क दिया होगा, जो वर्ब आई होगी, उसे टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। ओनली दैट प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, लेफ्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट का कैसे पहचानते हैं, पास्ट का कैसे पहचानते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। तो हमने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बताया हुआ था। आप में से कोई अभी नया है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस वीडियोज़ को आपने वॉच नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियोज़ को भी आप देख लीजिए, ताकि आज की क्लास और आने वाली सभी क्लासेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो क्लास होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अब हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कब पढ़ा था और हमें मिल यहाँ पर रहा है, तो प्रेजेंट का होगा तो इज, प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे तो एंडिंग है, हूँ, हो से होगी, पास्ट का होगा तो था, थी, थे से होगी। तो प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, लेफ्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। एज, बस यही करना बाकी है, बस यही किताब खरीदना बाकी था, बस यही सुनना बाकी था, बस यही दिन देखना बाकी है। टू सेंटेंसेस आर इन प्रेजेंट टेंस एंड टू आर इन पास्ट टेंस। ये दोनों आपके पास्ट में हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं था, थी, थे हैं, और ये प्रेजेंट का है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, हो आ रहा है। तो चलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। बस यही करना बाकी है, फर्स्ट ओनली दैट, ओनली दैट। प्रेजेंट का है तो इज, लेफ्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू करना, डू। सबसे पहले ओनली दैट प्रेजेंट का है तो इज, फिर लेफ्ट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब दी होगी उसे टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ छोटी सी बात और आपको एक ध्यान देनी है कि यही के बाद अगर वर्ब आ रहा है, यही करना, यही पढ़ना, यही सुनना, वर्ब आ रही है तो सेम स्ट्रक्चर लगेगा, ओनली दैट प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, लेफ्ट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यही के बाद नाउन भी आ सकता है, जैसे हमारे ये वाले एग्जाम्पल में दिया गया है, बस यही किताब, यही के बाद बुक आया हुआ है, बस यही दिन, यहां पर डे आया हुआ है। तो अगर यही के बाद कोई वर्ब होगा यहां, जैसे ये और ये, तो हम यही स्ट्रक्चर लगा देंगे। लेकिन अगर यही के बाद कोई नाउन दिया हुआ है, जैसे कि सेकेंड में और फोर्थ में दिया हुआ है, तो हम दैट के बाद जो नाउन आया होगा उसको हम यहाँ पर यूज कर देंगे और बाकी की चीजें बिल्कुल सेम होंगी। नाउन आया होगा तो दैट के बाद यूज कर देंगे, नहीं आया होगा तो जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही हम यूज करेंगे। बस यही किताब खरीदना बाकी था तो ओनली दैट, अब दैट के बाद बुक आ रहा है, किताब आ रहा है, तो नाउन आया है तो दैट के बाद ओनली दैट बुक। थी इज या वॉज में से वॉज प्लस लेफ्ट, लेफ्ट खरीदना, टू बाई। नेक्स्ट इज, बस यही सुनना बाकी था, पास्ट का सेंटेंस है तो सबसे पहले ओनली दैट, ओनली दैट। अब यही के बाद वर्ब आ रहा है तो डायरेक्ट इज या वॉज हो जाएगा, तो पास्ट का है तो वॉज प्लस लेफ्ट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू सुनना, लिसन। बस यही दिन देखना बाकी था तो क्या हो जाएगा, बस यही दिन, ओनली दैट।
अब दिन है साथ में, नाउन दिया गया है, तो ओनली दैट डे है, इज लेफ्ट, देखना टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू सी। तो अगर कोई नाउन है यही के बाद, तो हम दैट के बाद नाउन का यूज कर देंगे, और अगर नाउन नहीं है तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर का यूज कर देंगे, ओनली दैट। प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज प्लस लेफ्ट टू वर फर्स्ट फॉर्म एज। बस यही करना बाकी है, ओनली दैट इज लेफ्ट टू डू। बस यही किताब खरीदना बाकी था, ओनली दैट बुक वॉज लेफ्ट टू बाई। बस यही सुनना बाकी था, ओनली दैट वॉज लेफ्ट टू लिसन। बस यही दिन देखना बाकी है, ओनली दैट डे इज लेफ्ट टू सी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आपके फ्रेंड्स तक और बहुत से लोगों तक पहुँच सकूँ। आई नीड योर सपोर्ट, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय टू ऑल, टेक केयर, बी हैप्पी।